लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 3√3 इज। रैशनलाइजेशन का ही मतलब क्या होता है, परिमेयीकरण का मतलब क्या होता है कि हम करणी हटा देते हैं। अब करणी हटाने के लिए यहाँ पर 3√3 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये करणी हट जाए, है ना। मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, मुझे वो फैक्टर बताना है। यहाँ पे मुझे परिमेयीकरण नहीं करना है, यहाँ पे मुझे मुझे बस वो फैक्टर बताना है कि क्या मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये करणी हट जाए। तो बहुत ईजी है, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से ही करेंगे, है ना। √3 से करेंगे तो √9 हो जाएगा, तो यहाँ हमें आंसर मिल जाएगा 9 को बाहर आ जाएगा 3। यहाँ से करनी हट गई, कब हटी, जब हमने इसमें √3 से मल्टीप्लाई किया। तो इसका आंसर क्या है, 9 नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसका आंसर होगा √3। हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये बताना है कि मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो इसलिए आंसर हमारा है √3। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आई थिंक सो दिस इज लास्ट वन। अब देखो यहाँ पर दिया है √15 बराबर है 388 के, और ये सारे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आ चुके हैं, राइट। √15 इज इक्वल टू 388, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √5/3। अब यहाँ पर देखो दिया तो 15 है और पूछ रहा है 5/3 का, कैसे निकालेंगे। दिया है कि √15 बराबर है 388 के, और आप हमें बताइए कि √5/3 का मान क्या होगा, है ना, ये पूछ रहा है। अब ये कैसे करेंगे, ये भी बहुत इजी है, कुछ भी इसमें नहीं है, मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत इजी है। अब भाई हमें तो दिया है 15 की वैल्यू, पूछ रहा है 5, तो हम क्या करेंगे, ये 5 को 15 बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि इसका मान ना बदले। तो क्या होता है, अगर हम किसी भी सेम नंबर से अगर मैं इसमें ऊपर नीचे गुणा करूं तो वो नंबर इसके इसकी वैल्यू जो होती है इसके बराबर ही होती है ना। तो हम क्या करेंगे, ये 5/3 को 15 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 × 3 = 15 होता है, तो मैं यहाँ पर ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 3 से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 15, और 3 × 3 = 9, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा 15, ये मैं हटा देती हूँ सॉर्ट, तो यहाँ पर हमें मिलेगा मिलेगा यहाँ पे हमें मिलेगा √15, और 9 किसका वर्ग है, 3 का ना, तो ये हो गया। ये 3 लिखते समय पता नहीं क्या हो जा रहा है, पेन में 3 लिखने नहीं दे रहा, है ना। अब √15 की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 388/3, बस भाग कर दो, भाग कर दो मतलब भाग मत जाओ, इसको जो है डिवाइड करो। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 बचेगा 3 × 3 = 27, आगे पढ़ा नहीं आ रहा है, और 3 जो है 2 बचेगा, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = ऐसे आता रहेगा, तो 129/129.33, ये इसका आंसर होगा। इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इसको 15 कैसे बनाए भाई। अगली बात समझ में, ठीक है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको ध्यान में रखिए। जब मंजिल तय हो जाए तो रास्ते मत देखना, रास्ता खुद बनाना और जीत जाना, ठीक है। तो अब अगली क्लास में क्या करेंगे, थोड़े से इंडाइसेस के क्वेश्चंस ना वो रह रहे हैं, वो मैं आपको कराती हूँ, थोड़ा इंडाइसेस का क्वेश्चंस रह रहा है, इंडाइसेस मतलब घातांक के कुछ क्वेश्चंस रह रहे हैं, वो करेंगे, और उसके बाद हम अपना एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और एक जो प्रैक्टिस सेट है, जो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मैम प्रैक्टिस सेट कराई है, तो मैं सोच रही हूँ वो लाइव कराएंगे आपको, तो उसके लिए भी तैयार हो जाइए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कितने बजे ठीक रहेगा लाइव क्लास, ओके, ठीक है, चलो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।